उस पर बिलीव करती हैं और खामोश हो जाती हैं जब उनके लोग उनके इशारे पर हरकत करती हैं, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि अपना इमेज जो है वो बड़ा साफ सुथरा नजर आए, मगर ग्राउंड पर तो वो बराबर वायलेंस करती हैं, उनके लोग वायलेंस करते हैं। दीदी तो आजकल लगातार चंडी पाठ कर रही हैं, मंत्रोच्चारण कर रही हैं। हाँ, तो ये भी इनका रूप है कि देखिए, अगर चंडी पाठ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा शांडलिया है, तो भाई मैं क्या हूं? बंगाल के 27% मुसलमान, 22% दलित, जिनका वर्णा सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका क्या रोल है आपके दिमाग में? इनको कैसे समझते हैं आप? इनको, इसका मतलब ये कि आप इनको हकीर समझते हैं, इनको कमजोर समझते हैं, इनको अपने से नीचा समझते हैं आप। लेकिन आरोप तो आप पर लग रहे हैं कि आप बीजेपी की प्लान बी या बी टीम है, जो ठीक वही चुनाव लड़ती है जहां बीजेपी को फायदा हो। बंगाल में भी यही आरोप लगा है आप पर, हर पार्टी ने लगाया है। नहीं, ये देखिए, मैं तो कहा हूं कि मैं इन तमाम के लिए एक लैला हूं, ये पूरे मेरे मजनू हैं। 2007 में जब नंदीग्राम हुआ था, उस वक्त लोकसभा में राज्यसभा के सारे 35 से 40 एमपीस की मीटिंग हुई, सबने कहा कि हम 2 दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट की हुकूमत ने मुसलमानों की और गरीबों की जमीन छीन ली है। अचानक दूसरे दिन पीएमओ के दफ्तर से सबको फोन आया कि मत जाइए। हमने कहा हम जाएंगे। सिर्फ 2 मुस्लिम एमपीस गए थे, जिसमें मैं और अब्दुल वहाब साहब, जो मुस्लिम लीग के हैं, उनको आप पूछ लीजिए एक एक बात जो मैं कह रहा हूं। हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो कौन हमको रिसीव करने आया था? शुभेंदु आया था, और फिर जिस जगह पर हमको जाना था वहां पर मोटरसाइकिल पर हमको लेकर गए, लेफ्ट वाले बॉम्ब फेंके हम पर, फिर शुभेंदु के लोग हमको खैर उस जगह पर ले गए। वापिस जब हमको लाकर एयरपोर्ट छोड़ा गया, तो ममता बनर्जी मुझसे 5 मिनट टेलीफोन पर गुफ्तगू की और 10 मरतबा मुझे थैंक यू कहा। फिर सेंट्रल हॉल में मिली मुझसे कि ओवैसी जी, थैंक यू, ओनली यू 2 मुस्लिम एमपीस केम टू नंदीग्राम। आज हम बी टीम हो गए। आपने तो खुद बीजेपी का साथ दिया था ना, बीजेपी को आपने लाया यहां पर, और जितना बीजेपी का 40% वोट हुआ है, तो क्या कांग्रेस लेफ्ट जिम्मेदार नहीं है? ये कब तक अपने गिरेबान में झांक कर अपना इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं करते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन?